Hello everyone, assalamu alaikum and welcome to class of Omar Khan. This video is being recorded on 25th April 2023, 5:30 p.m. Batch of 2023 have their Islamiyat paper 1 tomorrow. Best of luck for that. So what if you guys come across a question that is about two major battles, but it's one individual 10 mark. One 10 marker about two battles, वो भी major वाली, minor वाली भी तो चलो हो जाता, खैबर, मौता, हुनैन, तबूक वगैरह ये तो short है, लेकिन what if there is a 10 marker on battle of Badr and Uhud, which are usually assessed in 5 markers, 10 markers, sorry, but what if Cambridge examiner decides to assess them in one combined 10 marker, और ऐसा हो चुका है, past papers में, there is a question regarding Badr and Uhud, in which you have to write down about both of these two battles for 10 marks. ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर बदर इंडिविजुअली ही माशाल्लाह उसका इतना डेटा है और उहद में भी इतना इंफॉर्मेशन है कि अगर हम अकेला बदर भी लिखें तो 2.5 पेज तक चला जाता है. सो हाउ डू वी मिनिमाइज, यूजुअली स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज बिटवीन दैट शुड वी ड्रॉप अ कंप्लीट पॉइंटर और शुड वी कवर ऑल द पॉइंटर्स एंड मिनिमाइज द डिटेल्स. सही है, अब आपको पता है जहां आप प्रॉब्लम में हो और हम उसका सोल्यूशन ना दें ऐसा तो हो नहीं सकता. सो हेयर इज द सोल्यूशन, दिस इज अ कंप्लीट गाइडलाइन 100% गाइडेंस दैट हाउ टू मिनिमाइज अ 10 मार्कर बैटल फॉर 5 मार्क्स. ठीक है, इसमें आई हैव डिवाइडेड इंटायर क्वेश्चन इनटू 6 पैराग्राफ्स, 3 फॉर बैटल ऑफ बदर, 3 फॉर बैटल ऑफ उहद, एंड देन एवरी इन एवरी पैराग्राफ आई हैव like written down these pointers with numbering, number 1, number 2, number 3, and for each pointers how many lines you are supposed to occupy. First of all, you need to keep that in mind ki hamare paas jo total space hota hai, that is 3 pages, so and every page has 28 28 and 28 lines, so 3 pages mein aapke paas takriban kitne lines ho gayi pata nahi, mujhe itna math nahi aata. हाँ, जो पेज वन है जिसके ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा उसमें दो लाइंस आप क्वेश्चन की कम कर दो, सो इट्स एक्चुअली 26, 28 एंड 28, ये इतनी लाइंस आपके पास होती हैं, विच मींस दैट अ गुड 10 मार्कर हैज टू गो बियॉन्ड टू पेजेस, टू पेज से प्लस उसको जाना चाहिए. टू पेज का मतलब अप्रोक्सीमेटली 55 टू 56 लाइंस से कम अज कम उसको ऊपर होना चाहिए. ठीक है, और मैक्स वो कितना आगे तक जा सकता है क्योंकि अब आपने आधा पेज बचा के रखना है अपने पार्ट बी के लिए, सो थर्ड पेज के पार्ट बी के लिए आपको बचा के रखना है 14-15 लाइंस तकरीबन. दैट मींस के बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रेच करो किसी 10 मार्कर को, अर्ली लाइफ टाइप का क्वेश्चन है तो वो जा सकता है बहुत ज्यादा, मैक्सिमम 70 लाइंस इज द रेड लाइन. ठीक है, इट्स बॉर्डर ऑफ इंडिया पाकिस्तान दैट यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस. ठीक है, सो ये कहानी. सो दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड देम दीस टू बैटल्स इन 35 एंड 35 लाइंस. स्टार्ट करते हैं. Paragraph 1 is about Battle of Badr background, in which first of all, pointer number 1, you have to talk about the alliance of Quraysh, Jews and hypocrites. ठीक है, इसके ऊपर आपने सिर्फ एक लाइन में बताना है कि Quraysh made alliance with Jews and hypocrites against Muslims. That's it. Number 2, Hazrat Saad bin Maas peacefully Umrah कर रहे हैं, Abu Jahl stops him and threatens him. कि अगर ये खुदा का घर ना होता आई वुड हैव किल्ड यू एंड ही आल्सो अनाउंसेस उमरा बैन. इसके ऊपर आपने सिर्फ दो लाइंस लिखनी है. ठीक है, मेक इट वेरी शॉर्ट एंड स्पेसिफिक. इसके रिस्पांस में मुस्लिम्स क्या करते हैं, मुस्लिम्स मक्का का इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर देते हैं. आपको इकोनॉमिक ब्लॉकेट की स्टोरी तो हिफ्ज हो चुकी होगी, ये ऊपर सीरिया है और नीचे जो है वो मक्का है. ठीक है, और बीच में जो है वो दोनों के मदीने हैं. इस रास्ते को मुस्लिम्स ने ब्लॉक कर दिया, इसके ऊपर आपने दो लाइंस लिखनी और आपने बताना है कि मुस्लिम्स लाइक टेक्निकली held Quraysh with their jugular vein, या गले से पकड़ लिया उन्होंने Quraysh को. Raids, अब चीजें escalate होना शुरू हो गईं. पहले Quraysh ने मदीना के ऊपर raid किया, on मदीना, this raid was led by Qurs bin Jabir, जिसमें उन्होंने shepherds वगैरह को मारा. जवाब में मुस्लिम्स ने incident of Nakhla किया, which was like the similar strategy, but with like minus bloodshed and stealing anything. This was led by, इसमें कौन गए, इसमें there were 12 companions, they were led by Abdullah bin Jahash. ठीक है, in which a very popular guy of Makkah, इसको underline कर दें, ये informations बहुत important है. अब्दुल्ला बिन जाश का नाम मिस नहीं करना, और अमर बिन हदरमी, the member of Quraysh who got killed, याद रखना इसको, मैंने इसीलिए red से underline कर दिया. इसके ऊपर आपने three lines, four भी हो जाए तो चलो चले,
मसला नहीं है, फोर भी लिख सकते हो। आगे आ जाए जी, कैरवान ऑफ अबू सुफियान की स्टोरी तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अबू सुफियान वॉज लीडिंग अ ह्यूज ट्रेड मर्चेंडाइज जिसकी वर्थ थी 50,000 दिनार एंड लाइक इट हैड 1,000 कैमल्स। ठीक है, 3 to 4 लाइन इसके ऊपर आपने लिखनी है कि ही फेल्ट थ्रेट फ्रॉम मुस्लिम्स, सो ही रोट अ लेटर टू अबू जहल दैट सेव मी। अबू जहल एक रेस्क्यू मिशन लेके चल पड़ा इसको बचाने के लिए, बट बाय देन अबू सुफियान हैड ऑलरेडी रीच्ड मक्का सेफली, और उसने दोबारा से अबू जहल को एक लेटर भेजा कि भाई आप जो है वो वापस आ जाओ। सो 300 हिपोक्रेट्स केम बैक, सॉरी हिपोक्रेट्स कह रहा हूँ, थोड़ा खुद से मैंने मिक्स कर दिया। 300 मेंबर्स ऑफ कुरैश केम बैक, और शुरू में अबू जहल की आर्मी थी 1,300, वो कितने रह गए आखिर में 1,000। इसके ऊपर आपने लिखना है कंडेंस करके 3 to 4 लाइंस लिखना है। ठीक है, ये हो गया सारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में कितने पॉइंटर्स है भाई, 5 पॉइंटर्स है मेरे, साथ साथ रिवाइज कर लें। अलायंस, शैतानी ट्रायंगल भी कहते हैं हम इसको अपनी क्लासेस में, अबू जहल का सात बिन मास को थ्रेट करना और उमरा बैन लगा देना, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ मक्का, और आखिर में आपने रेड्स की बात करनी है। पहली रेड हुई मदीना पे विच वॉज लेड बाय कुर्स बिन जाबिर, और दूसरी रेड हुई मक्का पे विच वॉज इंसिडेंट ऑफ नखला विच वॉज लेड बाय अब्दुल्ला बिन जहाश इन विच अमर बिन हदरमी गॉट किल्ड, एंड लास्ट वन इज स्टोरी ऑफ कैरवान ऑफ अबू। ठीक हो गया, चले जी आगे चलते हैं। अब आता है बदर के इवेंट्स, स्ट्रेंथ कंपैरिजन आपने बता देना है कि भाई 313 मुस्लिम्स हैं, 1,000 कुरैश हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको अब आपने सिर्फ 2 लाइंस में कंडेंस करके लिखना है। प्रॉफिट्स प्रेयर्स, इस पर आपने रेफरेंस लिखना है कि ओ अल्लाह दिस इज द लास्ट ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्शिप यू अलोन, इफ दे पेरिश टुडे यू विल नॉट बी वर्शिप टिल द डे ऑफ जजमेंट, 2 लाइंस मैक्स। प्री बैटल मिरेकल्स की बात करनी है कि रेन से मुस्लिम्स के मसले हल हुए काफी, स्लीप ड्राउजीनेस भी कहते हैं इसको, इसका रेफरेंस भी है, एंड नंबर इल्यूजन, मुस्लिम्स को वो कम नजर आए और मुस्लिम्स उनको ज्यादा नजर आए। 3 लाइंस ऑक्यूपाई करोगे आप इस पे। सोलो कॉम्बैट, सोलो कॉम्बैट में कुरैश की तरफ से उतबा शैबा वलीद, मुस्लिम्स की तरफ से उबैदा हमजा इन अली। ठीक है, इसके ऊपर आपने मैक्सिमम 2 लाइंस लिखनी है। ड्यूरिंग बैटल मिरेकल्स, मिरेकल्स जो बैटल के दौरान हुए दे आर एंजल्स एंड सैंड थ्रो, इसके ऊपर भी एक रेफरेंस है, एंड 3 लाइंस आपने इसमें ऑक्यूपाई करनी है। पॉपुलर किलिंग्स, अबू जहल वाज किल्ड बाय मास एंड मुअव्वस एंड उमैया बिन खल्फ वाज किल्ड बाय हजरत बिलाल, 3 लाइंस आपने ऑक्यूपाई करनी है। ये हो गया आपका पैराग्राफ नंबर 2, एंड देन पैराग्राफ 3 इज अबाउट बैटल ऑफ बदर का आफ्टरमैथ इन व्हिच यू विल टॉक अबाउट कैजुअलिटीज, बतानी है आपने दोनों साइड्स की, नॉट मोर देन 1 लाइन। प्रिजनर्स की बात करनी है, दैट 70 मेंबर्स ऑफ कुरैश वर टेकन एज प्रिजनर्स। ठीक है, टीचिंग एंड रैंसम जो है वो उनको 2 ऑप्शंस दिए गए थे। उसके बाद है 2 लाइंस, 2 लाइंस आपने जो है वो इसमें ऑक्यूपाई करनी है मैक्सिमम। ठीक है, स्पॉइल्स ऑफ वॉर, इस पे सूरह इन्फाल रिवील होगी, इसका रेफरेंस आप लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, ये अगेन 2 लाइंस, लीडरशिप चेंज हो जाती है, अबू सुफियान बन जाता है लीडर इंस्टेड ऑफ अबू जहल, 1 लाइन ऑक्यूपाई करनी है आपने। स्टार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ वॉर, एक लाइन में, एक लाइन से कम में बता सकते हो, और हम बताएंगे कि भाई प्रेस्टीज मुस्लिम्स की बल्ले बल्ले शावा शावा हो गई और कुरैश की इज्जत का हो गया फालूदा। तो टोटल एनालिसिस बनता है 35 लाइन्स, परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल आधो आध पे आके हम खड़े हुए हैं, बिल्कुल सेंटर लाइन पे, इतना ही स्पेस है हमारे पास। बैकग्राउंड में वी आर कंज्यूमिंग 12 लाइन्स, इवेंट्स में वी आर कंज्यूमिंग 15 लाइन्स, एंड आफ्टर मैथ में वी आर कंज्यूमिंग 8 लाइन्स। अच्छा, अभी मैं लाइन्स बता रहा हूँ, तो अगर किसी का राइटिंग छोटी या बड़ी है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल रेफरेंसेस की बात करें तो वो कितने हैं, वो 3 रेफरेंसेज हैं टोटल जो आपने बदर में लिखने। अब आता है पैराग्राफ 4, ओहद के लिए भी हम 3 पैराग्राफ बना रहे हैं। पैराग्राफ 4 में हम बैटल ऑफ ओहद का बैकग्राउंड बताएंगे, इसके मेन कॉजेस क्या थे। इसके मेन कॉजेस थे भाई ये बदर का बदला था, ठीक है, और दे वॉन्टेड टू ओपन इकोनॉमिक ब्लॉकेट, 2 लाइन्स आपने कोशिश करनी है आ जाए 2 लाइन्स में। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, पीपल हु इनिशिएटेड एंड प्रोपगेटेड द आइडिया ऑफ बैटल ऑफ ओहद, दे वर अबू सुफियान। ही वॉन्टेड टू टेल पीपल, देखो हमसा हो तो सामने आए, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। हिंदा, हिंदा का रीजन था अब्बा का बदला, अब्बा का नाम था उतबा। इक्रमा का भी रीजन था अब्बा का बदला, अब्बा का नाम था इजे। और काब बिन अशरफ वाज अ ज्यूइश पोइट, ये था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। ठीक है, ही केम फ्रॉम यसरिब एंड जबरदस्ती आ गई, ये फिट इन होने की कोशिश कर रहा था, आसान लफ्जों में कराची की स्ट्रीट लैंग्वेज में कहा जाए तो लटकने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद आते हैं जी 4 लाइन्स, तो इसके ऊपर आपने 4 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना। अब ये आपने देखना है कि किस तरह से आप छोटे और मजेदार सेंटेंसेस बनाते हो। लेटर ऑफ हजरत अब्बास एंड डिफेंस काउंसिल एट मदीना, हजरत अब्बास ने मुस्लिम्स को वार्न किया, मदीना में एक मीटिंग होती है जिसमें 2 ओपिनियंस डिस्कस होते हैं, शुड बी फाइट इन ओपन और शुड बी डिफेंड द सिटी, और फाइनली 3 लाइन्स में आपने इसको लिख देना है और बताना है कि भाई फाइटिंग इन ओपन वाले ऑप्शन को ज्यादा वोट पड़ गया। स्ट्रेंथ कंपेरिजन बताना है कि कुरैश 3,000 है, मुस्लिम शुरू में 1,000 थे, 300 सांप रास्ते से छोड़ के चले गए,
ठीक है, और मुस्लिम्स कितने बचे, 700। इसके ऊपर भी रेफरेंस है हमारे नोट्स में, है बुकलेट 1.2 में। इसके ऊपर आपने 3 लाइंस देखनी है। ये हो गया आपका पैराग्राफ वन ओहद का, और ओवरऑल आंसर का पैराग्राफ नंबर 4। पैराग्राफ 5, बैटल ऑफ ओहद इवेंट्स, 50 आर्चर्स इन द पास्ट वाली स्टोरी तो आपको पता ही है कि मुस्लिम्स का लाइनअप है और बिल्कुल पीछे माउंटेन्स है, पहाड़ है, ठीक है, और उनको कमांड कर रहे हैं कौन, अब्दुल्ला बिन जुबैर। इसका एक रेफरेंस है जो प्रॉफिट ने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी, आपको याद होगा, इफ यू लुक एट अस फ्रॉम द टॉप दैट वी ऑल आर डेड, वो सारा 3 लाइंस में आपने बताना है। सोलो कॉम्बैट, मुस्लिम्स की तरफ से हजरत हमजा इन हजरत अली, कुरैश की तरफ से पहले दो, फिर और दो, फिर और दो, ऑल 6 वर्ड बोरी पैक्ड एंड सेंट टू हेल्प। इसके ऊपर आपने 2 लाइंस लिखनी है, फिर आपने बताना है इनिशियल विक्ट्री ऑफ मुस्लिम्स, और उसको देखकर आर्चर्स जो है वो 40 नीचे उतर के आ गए, वहां से सारे नहीं आए थे, 50 में से 40 आ गए थे, और खालिद बिन वलीद ने इस खाली पास को देख के मुस्लिम्स पे एम्बुश कर दिया, और इस पे आपने 3 लाइंस लिखनी है। केओस इन मुस्लिम रैंक्स इज द फोर्थ पॉइंटर, ये थोड़ा लेंदी है, 6 लाइन दे रहा हूँ उसके लिए मैं आपको। हजरत हमजा शहीद हो गए, मुसब बिन उमेर शहीद हो गए। मुसब बिन उमेर दिखने में प्रॉफिट जैसे थे, तो प्रॉफिट की शहादत का रूमर उड़ गया, ठीक है, मुस्लिम्स का बुरे तरीके से मैसेकर शुरू हो गया, और बड़े मुश्किल से 11 कंपेनियंस ने प्रॉफिट की जान बचाई। वन ऑफ देम वॉज तलहा, जिनका मेंशन करना है लाजमी, 6 लाइन दे रहा हूँ मैं आपको इसके लिए, ठीक है। फाइनली मुस्लिम्स बाउंस बैक, ब्रेव लीडरशिप ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, मुस्लिम्स ब्रोक द सीज, अबू सुफियान चैलेंज करता है मुस्लिम्स को, कुरैश रिट्रीट करते हैं। अबू सुफियान ने क्या चैलेंज किया था कि अगले साल फिर लड़ाई होगी, बदल 2.0। और आखिर में इंटरेस्टिंगली कि इतना हारे हुए और इतना डिफीटेड और इतना जाने कुर्बान करने के बाद भी कुरैश वर द वंस हु लेफ्ट द बैटल फील्ड, और मुस्लिम्स ने उनको चेस किया, ठीक है। 4 लाइंस आपने इसके ऊपर लिखनी है। लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ इज ओहद का आफ्टरमैथ, जिसमें पैराग्राफ 6 है बैटल ऑफ ओहद आफ्टरमैथ। पहले आपने कैजुअलिटीज बतानी है, मुस्लिम्स लॉस्ट 70 लाइव्स एंड कुरैश लॉस्ट 30, एक लाइन में बता देना है क्विकली। एनालिसिस ऑफ कुरैश टारगेट, कुरैश के टारगेट्स का जो एनालिसिस है वो आपने बता देना है कि भाई दे हैड 4 टारगेट्स इन देयर माइंड, दे वांटेड टू मर्डर प्रॉफिट, दे वांटेड टू कैप्चर मदीना, एंड दे वांटेड टू ओपन द ट्रेड रूट। ये 3 तो नहीं हो सके, बट दे वांटेड टू अवेंज द स्लॉटर ऑफ बदर। तो हम देखें तो 70 मुस्लिम्स मारे गए यहाँ पे, शहीद हुए, तो ये हम कह सकते हैं कि चलो ये इनको दे दो। उसको 3 लाइन्स में इलाबोरेट कर देना, और प्रेस्टीज की बात करनी है कि भाई मुस्लिम्स का जो प्रेस्टीज थोड़ा ऊपर हुआ था वो वापस हल्का नीचे आ गया, और कुरैश का जो थोड़ा सा बर्बाद हुआ था वो थोड़ा सा डैमेज रिपेयर हो गया। टोटल रेफरेंसेज आप यहाँ पे दे रहे हो 2, बैकग्राउंड में 12 लाइन्स हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इवेंट्स में 18 लाइन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आफ्टर मैथ में 5 लाइन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, अगेन 35, 70 लाइन्स का परफेक्ट आंसर, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है वीडियो देखने के बाद, एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड अनदर वीडियो बिफोर एग्जामिनेशन लेट एट नाइट, अगर मुझे कुछ फील होता है कि समथिंग इज इम्पॉर्टेंट, सो आई विल मेक अनदर वीडियो लेसन। बट अगर ये लास्ट वीडियो लेसन है तो मेरी तरफ से आप लोगों को अभी से फाइनल गुड लक एंड जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट। बाकी आपको पता है मोटिवेशन आजकल है, इंस्टा पे बहुत सारे पेजेस हैं भरे हुए हैं, तो वहां से भी आप ले सकते हैं, लेकिन बस रियलिस्टिक मोटिवेशन ये होती है कि आपने क्या करना है, यू नीड टू मैनेज योर एक्सपेक्टेशन। जितना आपने पढ़ा है, जितनी तैयारी की है, वही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप पेपर खाली छोड़ के आ जाएं, या पूरे साल आप तफरीहात कर रहे थे तो अभी आप कोई क्या कहेंगे आइंस्टाइन बन जाएंगे। तुक्का लगता है, लेकिन तुक्के के चांसेस फिर आपको पता है ना कि रियल लाइफ में तुक्के के चांसेस मुश्किल से 1% होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, ठीक है। सो द थिंग इज के मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, बी रियलिस्टिक, तैयारी से ज्यादा फ्रेश होना कल जरूरी है, टाइमली सो जाना है आपने, ठीक है। एंड दिस इज फाइनल बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, ऑलवेज अ रिमाइंडर, हमेशा आपको हिफ्ज हो गई होगी, अब तो मैं हमेशा वो आयत बताता हूँ कुरान की, अ पर्सन गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर, इफ यू स्ट्राइव फॉर इट, अगर आपने मेहनत की है, आपने मुशक्कत की है, रातों को जागे हैं, पास पेपर सॉल्व किए हैं, हाथों को तोड़ा है, बड़ी बड़ी वर्कशॉप क्लासेस, ऑनलाइन सेशन आपने अटेंड किए हैं, तो इनशाला सब अच्छा होगा, ठीक है। होपफुली आई रिकॉर्ड अनदर लेसन, लेकिन अगर अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इफ आई कुडंट, सो दिस इज माई फाइनल गुड लक फॉर पेपर वन, बाकी पेपर टू तो खैर चलता ही रहेगा। सो दिस इज योर इंस्ट्रक्टर उमर खान साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।